आजकल के लड़का लड़कियां जैसी कॉलेज में गए इन्हें प्यार हो जाता है। किसी लड़के के संग घूम रही है लड़की, किसी लड़की के संग घूम रहा है लड़का, ये एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। किसी भी औरत के संग आप रहोगे, किसी भी लड़की के साथ आप रहोगे, तो लड़की किसी पहले के जमाने में, आज एक गलत बात हमारे देश में एक ये हो गई कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ने लग गए, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, लड़कों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी। अब क्या हो रहा है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो वो उम्र जो है ना, वही तो उम्र है। अब वो लड़का लड़की एक साथ हैं तो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं, पर्ची में आई लव यू लिख के एक दूसरे को सप्लाई करते रहते हैं, पहुंचा दो जरा उस तक, यही चलता है। लड़कियों के तो फिर भी अच्छे नंबर आते हैं, लड़कों के नहीं आते, क्योंकि लड़कों को लड़कियां देखने से फुर्सत नहीं है, तो नंबर कहां लाएंगे, ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। अब जेठालाल का ध्यान कहां है, पूरा पूरा ध्यान उसका बबीता में है। यही है सिस्टम समाज का, बोलो हां। वो तो बबीता बगल में रहती, उसके घर में ही रहने लग जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसे लड़का लड़कियां अलग रहती तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता भी। जिस दिन बबीता जेठालाल की दुकान में आ जाती उस दिन की दुकान ही नहीं चलती, बबीते चलती रहती है। ऐसे ही है, अब और पढ़ाओ लड़का लड़की साथ में, उसी का दुष्परिणाम है ये, बोलो हां। आग को और घी को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, स्त्रियां हैं आग, इसलिए द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ, अग्नि से। द्रौपदी का जन्म जोर से, स्त्रियां हैं आग और पुरुष है घी, इसलिए घी को आग से दूर रखना चाहिए, साथ में रहेंगे तो सब बिगड़ेगी व्यवस्था, और वो आपसे छिपी नहीं है, इसलिए मर्यादाएं मर्यादाएं मर्यादाओं की तरह रहें। अब ये व्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है, लेकिन फिर भी जितना आप सुधार सकें, बच्चों को समझा सकें, गाइड कर सकें, समझाइए। आप बताओ, ये लड़का लड़कियां स्कूल कॉलेज में प्यार व्यार कर लेती हैं, सही है? और तो ठीक है, लड़कियां शादी भी कर लेती हैं भागकर, बेचारे माँ बाप का सपना टूट जाता है, कितनी गलत बात है ना, माँ बाप के सपने को तोड़ दिया, उनके सम्मान को आग लगा दी, गलत बात है। बच्चों को थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, क्यों जी, सोचना चाहिए कि नहीं।